सीरियल नथ कृष्णा और गौरी की कहानी में जीत बेहोश हो जाता है। सारे लोग बेहोश पड़े होते हैं। सोचती है कृष्णा कैसे होश मिला, उसे सीढ़ियों से गिरने वाला होता है, बेहोश हो जाता है तो बचा लेती है, उसे भी गोद में ले लेती है और फिर लाकर सोफे पर लिटा देती है। कहती है क्या करूँ, कैसे इन्हें मैं ठीक करूँ। तब उसे याद आता है बाबा की बातें, जड़ी बूटी ले जाकर पीसती है तो लाइट खराब हो जाती है। फिर वह सिलबट्टे के बारे में सोचती है, सिलबट्टा निकालती है और उस पर सारी जड़ी बूटियाँ पीसती है, पीस कर सारे घर के लोगों को खिलाती है और जड़ी बूटी खिलाने से सारे लोग होश में आ जाते हैं। जब आती है यहाँ पर गौरी और यहाँ उससे कहती है कि क्या किया तुमने मेरे जीत के साथ, सारे लोगों को इसी ने बेहोश किया था और तुम्हारी ही चाल थी कि हम सबको कुछ हो जाए। वह बोलती है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं बताती हूँ क्या हुआ है। सब बेहोश थे तो मैंने जड़ी बूटी पीस कर सबको खिलाई है, मैंने कुछ नहीं किया, अगर मुझे कुछ करना था। माँ कहती है मुझे भरोसा है इसने कुछ नहीं किया होगा। पिताजी भी कहते हैं चुप रहो अपनी बकवास बंद करो। और यहाँ पर कमरे में आती है बुआ जी और उनके लड़के कुंदन के पास और मारने की कोशिश करती है तो हाथ पकड़ लेती है। बहू कहती है अब ऐसा हमसे गलती नहीं होगी। वह बोलती है मेरे बेटे की जान खतरे में नहीं आनी चाहिए। वह बेटा बोलता है बुआ जी का कि इसे मैं ठिकाने लगा दूंगा, यह बहुत बोलती है। इधर पर कृष्णा आईने में देखकर कहती है कि आज भी तुम्हें हमारा एहसास है, यह कैसे। और फिर गौरी जा रही होती है एक अकेले से कमरे में, कहती है कि यह मुझे बस पता है। वहीं उसी तरफ जाती है कृष्णा, दरवाज़ा खोलकर कहती है यहाँ तो कोई नहीं है, आवाज़ यहीं से आ रही थी और अंदर किसी को उसने सांकर से बंद किया है और उसने गला पकड़ लिया है गौरी का। तभी वहाँ पूरे में छानबीन करती है, वह धक्का मार देता है तो किनारे हो जाती है और गौरी कहती है कि क्या करें। कृष्णा को आवाज़ आती है गोपिका की और आवाज़ आती है गौरी की भी। तभी वह बाहर दौड़ती है तो गोपिका आ जाती है और जीत भी उसे गोद में ले लेता है। दोनों एक साथ गोद में लिए हुए होते हैं गोपिका को और फिर सारे लोग कहते हैं कि ये किसकी बेटी है।